हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एडू लवर। क्लास 12th केमिस्ट्री सैंपल पेपर के क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर इससे प्रीवियस वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन आपने अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां पर वो प्रीवियस क्वेश्चन साथ ही साथ आने वाले क्वेश्चन भी अपलोड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गिव रीजन टू सपोर्ट द आंसर। हमें आंसर के सपोर्ट में रीजन देना है, यानी कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसके सपोर्ट में हमें रीजन देना है। क्या है? प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसेंशियल फॉर द एल्डोल कंडेंसेशन। अब हमें बोला है कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस चाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन में है, ये जरूरी क्यों है, एसेंशियल क्यों है? तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। तो आइए सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन, ये कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के लिए हमें पूछा हुआ, पहले एल्डिहाइड का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो एल्डिहाइड में हमारा क्या होता है, लेट अस सपोज हमारे पास है एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज ये वाला ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा फिर से कंबाइन करेगा इसी के साथ, यानी कि इसी को हमने दो मोल लिया है, इस फॉर्म में भी आप बोल सकते हैं ये, हालांकि एनसीईआरटी का जस्ट एग्जांपल मैंने सेम टू सेम यहां पर ले रखा है। और आपको पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या फिर यहीं के प्लेस कहीं पे आपको OH माइनस भी देखने को मिलेगा, तो कोई इशू नहीं है, बेस के ही प्रेजेंट में होता है, ठीक है, बेस के प्रेजेंट में होता है। तो अब यहां पर क्या होता है, जब इन लोग दोनों आपस में कंबाइन करता है तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि सी डबल बॉन्ड ओ एच है। अगर इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊं तो यहां पे ये इसको मैं स्टेप से बना सकता हूं, ठीक है, एच एच एच, ठीक है, ये कार्बन जो है यही हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इससे सटा हुआ जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, और किसका बोलते हैं क्या हम लोग, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से सटा हुआ जो हाइड्रोजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इसके आसपास कितना हाइड्रोजन है, तो हमें यहां देखने को मिल रहा है तीन अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिलता है। और हमसे यही पूछा है कि द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसी का प्रेजेंस, यही अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि यहां पे जो हमारे पास है वो क्या है, बेस है। हमारे पास यहां पे जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट क्या है, बेस है। और जो अल्फा जो हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रहा है, ये जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है मेरे साथ बोलिए, कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, यानी कि दोनों आपस में कंबाइन करेगा तो यहां पे फॉर्मेशन होता है CH3 CH CH2 और CHO, और यहां पे आ जाएगा क्या, कौन सा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अगर इसका आप नाम लिखना चाहो तो ये तो आपका नॉर्मल क्या है, मीथेन, यानी कि ये क्या है, इथेनल है। अगर इसका नाम लिखना चाहे तो क्या है, 1 2 3 4 1 2, यानी कि इसका अगर हम लोग नाम लिखना चाहें तो CHO ग्रुप इधर है ना, 3 सॉरी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी और क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, ठीक है, 3-hydroxy-butanol, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल। तो इसका रीजन क्या है, रीजन हमसे यहां पे पूछ रखा है। अगर आप हालांकि एनसीईआरटी में अगर इसे आप ढूंढने जाओगे तो एनसीईआरटी का चैप्टर 3 मतलब कि जो आप ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, उस ऑर्गेनिक वाले पार्ट में अगर आप जाओगे तो चैप्टर 3 यानी कि पहला वाला है हेलोजन, दूसरा है आपका फिनॉल एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, और तीसरा जो है आपका वो है आपका कौन सा, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसी वाले पार्ट में ना आपको मिल जाएगा ये, इसका नाम क्या लिखा रहेगा ऊपर, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन उस पॉइंट को आप अगर एक बार पढ़ लिए ना तो सारा का सारा आंसर दे सकते हो, ठीक है। मेन आते हैं इस पे हम लोग मेन फोकस करते हैं। तो इसका रीजन हमें क्या क्या लिखना होगा, दो रीजन, क्योंकि हालांकि इसके बारे में हम लोग लिखना है, तो हम लोग एक तो रीजन लिखेंगे कि ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम इस क्या होता है, कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, है ना, यहां पे अगर आप देखो तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसको निकाल कौन रहा है, तो ये हमारा है EWS यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इसी के चलते ना ये बाहर निकल जा रहा है, और यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, दैट इज कार्बीन का, किसका फॉर्मेशन होगा, दैट इज कार्बीन का, ठीक है। यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, तो कार्बीन का फॉर्मेशन होगा, और ये अगर हम लोग देखें तो ये जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। ये जो होता है हम लोग का क्या होता है, कार्बीन होता है, कार्बीन का इधर फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होता है, ये जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप आंसर लिखोगे तो एक नंबर भी आपका नहीं कट सकता, एक नंबर भी आपका नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैंने आपको एल्डिहाइड का एग्जांपल देकर दिखाया है, एक कीटोन एनसीईआरटी का ही मैं जो दिया हुआ है डायरेक्ट हू बहू सेम टू सेम वही लिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने, मिटा दे इसको, अच्छी बात है, आंसर सेम रहेगा, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां दो पार्ट में लिखा था, एक ही पार्ट में हम लोग लिख लेते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर ये फिर से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जब आपस में कंबाइन करता है, इस बार जो प्रेजेंस होता है, यहां पे कौन सा था, NaOH, यहां पे जो प्रेजेंस होता है दैट इज BaOH का होल ट्वाइस, यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसके प्रेजेंस में फिर से उसी टाइप का कंपाउंड बनाएगा, दैट इज CH3 C CH3, ठीक है। C इधर हो जाता है OH, यहां पे आपका बनेगा CH2, यहां पे बनेगा CO, और यहां पे बनेगा दैट इज CH3। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसका अगर हम लोग नाम लिखना चाहें, इसका नाम तो आप लिख सकते हो ना यार, ये क्या है, प्रोपेनॉन, यही इसी का दो मोल हमने क्या किया, आपस में रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी, फोर पे ही हम लोग का क्या है, फोर पे ही हम लोग का कौन सा है, मिथाइल ग्रुप, तो फोर मिथाइल, 1 2 3 4 5, यानी कि पेंट, सारा सिंगल बॉन्ड, तो AN, और सेकंड पे हम लोग का कौन सा है, ONE, ओन ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया इसका नाम, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप लिखो एकदम रिएक्शन के साथ लिखो, एक कोई भी आपको मतलब नंबर काट ही नहीं सकता, ठीक है, समझ में आ गया। बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या है, ये तो हमारा ये पार्ट हो गया, अब बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में दिया है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन सोच पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। हालांकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, लेकिन ये जो ना पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, यहां पर होना चाहिए था निगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, क्यों, क्योंकि ये जो है ना ओन है, यानी कि कीटोन ग्रुप है, और जो पॉजिटिव करता है ना, जो पॉजिटिव करता है वो करता है एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा करता है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये तो हमारा पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कभी कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये पार्ट नहीं होगा, यहां पे होना चाहिए था नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है सीबीएसई से, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मजा नहीं लेंगे इसका, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट के बारे में हमें दिया हुआ है, तो यहां से आप एक याद रखोगे, टॉलरेंस रिएजेंट कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, तो याद रखोगे कि टॉलरेंस रिएजेंट जो होता है अ मिक्सचर ऑफ या फिर अ सॉल्यूशन ऑफ, है ना, सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन होता है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया का जो होता है वो एक टाइप का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और जो हम लोग का पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट करता है वो कौन करता है, एल्डिहाइड करता है, लेकिन क्योंकि हमें यहां पे कीटोन दिया था, चलिए इसका फोटो बना लिया जाएगा, हम लोग क्या दिया है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन, तो पेंटेन 2 ओन, 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ओन दिया है, ठीक है। तो यहां पर सॉरी पेंटेन 2 ओन दिया है ना, और क्या दिया, 3 हाइड्रोक्सी, यानी कि इस टाइप का फिगर हमें देखने को मिलेगा, है ना, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। अब ये हमसे बोल रहा है कि ये जो होता है वो हम लोग का नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट जो है वो शो करता है, ऐसा क्यों, ठीक है, नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट जो है वो शो करता है ऐसा हमें बताना है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इससे पहले जो हमने लिखा टॉलरेंस रिएजेंट है, ठीक है। अब अगर आप बुक में देखोगे ना तो इसका एकदम मोटे मोटे अक्षरों में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, एकदम मतलब मोटे मोटे अक्षरों में दिया हुआ है कि ये नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट क्यों, जो कीटोन वाला ग्रुप होता है वो नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट क्यों करता है, क्योंकि ये ना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ठीक है। और अगर आप एल्डिहाइड ले लो तो वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए वो क्या करता है पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट शो करता है, ठीक है। और दूसरा अगर आप ले लो तो क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए जो बॉन्ड होता है, ठीक है, जो बॉन्ड होता है किसके किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में जो होता है वो तोड़ नहीं पाता है, नॉट कैपेबल टू ब्रेक, नॉट कैपेबल टू ब्रेक इट, है ना। इसीलिए क्या करता है ये तोड़ नहीं पाता है, कहां का, बिटवीन कीटोन, ऐसे भी लिख सकते हो बॉन्ड, बॉन्ड सीसी नॉट कैपेबल टू ब्रेक बिटवीन कीटोन, ठीक है, बिटवीन कीटोन, मतलब मैं जो बोलना चाहता था लिख दिया, गलत हूं मेरे को भी पता है, लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूं आप लोगों को, मैं वो बोलना चाहता हूं कि कीटोन में जो कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, क्या है, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसीलिए क्या करता है कि ये कार्बन कार्बन के बीच को बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता, किसके बीच का, तो कीटोन के बीच का, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, तब तक लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट।